कार्तिकेय स्वामी जी की छत्र छाया में उनकी कृपा से आज आप सबके सामने ये संबोधन कर पा रही हूँ। मैं अपने सारे गांववासियों का, मेरे भाई बंधुओं का, पार्टी से जितने भी लोग गांव का दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, श्री ठाकुर दास जी, श्री दिले राम जी, श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर जी, श्री दुर्गा ठाकुर जी, श्री अखिलेश कपूर जी, श्री जोगिंदर महेश जी, श्रीमती वर्षा ठाकुर जी, श्रीमती सुषमा बीडीसी जी, श्री जनेश ठाकुर जी, श्रीमती हेमा ठाकुर जी, श्री रवि ठाकुर जी का बहुत जिक्र करते हैं, नाम लेते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे अपने सगे संबंधी हैं, गांव वाले हैं, कार्तिकेय स्वामी जी, हमारे कार्तिकेय स्वामी जी जो शिव और पार्वती जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्होंने हिमालय में बहुत साधना की और ये वेदों में लिखा हुआ है और इतिहास गवाह है। फिर वो भारत भ्रमण पे निकल गए और उन्होंने अपनी तलवार को जो विराम दिया वो दिया साउथ इंडिया में, जहाँ पे उन्हें बहुत प्रख्याति मिली। उन्हें मुर्गन कुमार के नाम से हर जगह उनके बहुत भव्य मंदिर हैं और हर जगह उनकी जो है महिमा मंडन किया जाता है। कार्तिकेय स्वामी ने मुझे यहाँ बुलाया है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर ये देव भूमि और ये भी देव भूमि के बीच में मुझे ये भूमि प्रदान की है। और अवश्य ही सब लोग बड़े ही आश्चर्यचकित होते थे कि ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये बीच में ये पीस क्यों बचा हुआ था मनाली जैसी जगह में। तो मेरे माता पिता कहते हैं ये कंगना के लिए ही बचा हुआ था। तो मनाली के लोगों ने मुझे अपनाया, उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया। अगर उन्हें कोई गिले शिकवे मेरे से हैं तो मैं ये कहूंगी हैं, मेरे माता पिता अक्सर कहते हैं कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार तो नीचे हैं, तुम ऊपर अकेली क्या करती हो। जब एक महिला अकेली रहती है तो कई तरह की उन्हें अपनी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। ये मनाली कोई साधारण गांव तो है नहीं कि जहां हम बच्चे बच्चे को जानते हैं। यहाँ हजारों और लाखों पर्यटन आते हैं, यहाँ पे इतना टूरिज्म होता है, इतनी स्टेट्स के लोग आते हैं कि अवश्य ही एक अकेली महिला को, जवान महिला को अपनी सुरक्षा की चिंता दिन रात रहती है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरे गांव के लोगों, ये कभी नहीं सोचना है कि कंगना आज तक हमसे मिली नहीं, कंगना हमसे आज तक बात की नहीं। आपने ये सोचना है कि अगर आपके घर में बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा कि दूसरे घर पे पहुंच जाए और उनके घर पे बैठ जाए। ये संभव नहीं है। ये मेरे प्रति कुछ भी अपनी बातें बिगाड़ने की या कुछ भी मनोवृत्ति बिगाड़ने की अनाप शनाप बातें हैं। आपने इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा समझना है कि अक्सर बेटियां माता पिता के साथ रहती हैं, दादा दादी होते हैं। अब मैंने चुना रहने के लिए मनाली, मेरे माँ बाप सारे रहते हैं सरका घाट, सब जगह चाचा चाची सब वहां पे, हमारा घर है, क्रशर है। तो मैंने, मेरा दिल आ गया मनाली पे, तो मैं क्या करूं। पर अब आप लोगों ने मुझे अपनी सेवा का मौका देना है और कोई मुझसे गिला शिकवा नहीं रखना है। और कोई भी गांव वाला अगर दूसरी बार ये प्रश्न आपसे करता है कि आज तक तो वो हमारे घर आई नहीं, आज तक तो वो हमें मिली नहीं, तो आपने यही कहना है कि आपको कैसा लगेगा कि आपकी बेटी अगर किसी के घर बिना बुलाए चली जाए या ऐसे ही वहां पे खड़ी हो जाए, सड़कों पर लोगों से बातें करने लग जाए। तो ये संभवता ही संभव नहीं है दोस्तों। आज मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस पे भी आपकी ही कृपा है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके सबसे बड़े नेतृत्व श्री प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सिर्फ एक हमारे भारत में ही एक कोई जानी मानी हस्ती नहीं है। आज उनका पूरा जो उनका जो कीर्ति है, उनका जो यश है, पूरे विश्व में है। और आज उन्होंने जब अपने लिए एक प्रत्याशी चुना तो आपकी मनाली की बेटी कंगना को चुना। तो दोस्तों, उनका जो संकल्प है 400 पार का, उनका जो संकल्प है उससे हमें चूकना नहीं है। ये मंडी का मोती भी हमें उनकी झोली में डालना है। हमने हिमाचल वासियों से जाने अनजाने में बहुत गलती हो गई। देखिए, हमसे अब सारे विश्व में जो है वो मोदी लहर है। वो कांग्रेस के जमाने गए या वो पुराने जमाने हैं, वो घिसे पिटे जमाने हैं, उन जमानों से निकलिए। उन जमानों में कोई वापस नहीं जा रहा है। हम उन लहर उसकी तो हमने सोचनी भी नहीं है कोई बात। वो करप्शन के जमाने, वो कटु नीतियों के जमाने, वो नेताओं के स्कैम के जमाने, वो झूठ फ्रेब के जमाने, उन जमानों के झांसों में मत आइए।
ओ दुनिया उनको कब का छोड़ चुकी है। और आज देखिए भारत जो है 11वीं और 13वीं पता नहीं कौन सी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी, कहां 30, अभी हम 5वें और 3रे और पहले नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए एक बार एक वक्त था जब जो प्राइम मिनिस्टर बैठा होता था दिल्ली में, वो आपको पता है कैसे बात करते हैं मनाली जैसी जगहों के बारे में, कैसे बात करते हैं अरुणाचल जैसी जगहों के बारे में। वो इस तरह बात करते थे कि अवश्य ही हम यहाँ पे कोई विकास नहीं करेंगे, अगर हमने यहाँ सड़कें बनाई तो चीन उन्हीं सड़कों से दिल्ली तक पहुंचेगा, हम उसे कैसे रोकेंगे। क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पर वही माहौल है जो 100 साल पहले होता था? क्या क्या इसका कारण हो सकता है कि क्यों इनकी कोई भी विकास नहीं किया गया? इसका यही कारण था क्योंकि ये डरते थे अगर रोड देंगे, ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है कांग्रेस की, और उसी कांग्रेस की आज यहाँ सरकार है और हमारा भारत तो भुगत ही रहा है जो हम भी, क्योंकि हिमाचल भी तो अभिन्नंग है भारत का। जब हिमाचल के लोगों को कष्ट होता है तो समस्त भारत को दर्द होता है, और उस कष्ट को हिमाचल भोग रहा है। 18 महीनों में कितने इन्होंने घोटाले कर दिए, जितना कि हमारे जयराम जी और ये सब आपको बताएंगे जो एक सीएम है, कितने हजारों करोड़ जो 5 सालों में उन्होंने कुछ महीनों में ही वो लोग खा गए, डकारे भी नहीं उन लोगों ने। इतनी आपत्ति यहाँ पे आई, इतना सब कुछ आया, हमें पैसे नहीं देते, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं दिया। अरे तुम्हारे पेटों को भरने के लिए कितना भी देंगे क्या कम है? जयराम जी को बार बार आना पड़ता है, इतना 1000 करोड़ दिया इनको, इतना कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जिस जिस वक्त की जो जो डिमांड होती है वो वक्त वैसा ही होता है। हम हमेशा, चाहे वो महिला के जीवन के चरण हो चाहे वो पुरुष के जीवन के चरण हो, जब आप स्कूल जाते थे तो आप कुछ काम करते थे, फिर आपकी शादी हुई तब कुछ, फिर आपकी नौकरी लगती है तब आपके कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज होती हैं, फिर अगर आप अपना बिजनेस चलाएं तो कुछ, फिर आप अगर समाज सेवा में आ जाएं तो कुछ। तो ये तो एक जीवन के कई चरण होते हैं जो हर मनुष्य के जीवन में होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में वैसे चरण नहीं आते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे सफलता दी और अगर आप लोगों ने राजनीति में मुझे प्रोत्साहित किया तो अवश्य ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अपना जीवन भी राजनीति के लिए समर्पित कर दूंगी। आप लोगों को इस तरह से हमें यहाँ से लीड मिलनी चाहिए कि दिल्ली तक ये बात गूंजे कि कंगना को मनाली से ऐसी लीड मिली थी कि ऐतिहासिक लीड थी, कि अगर मेरी मनाली की कोई भी फाइल अगर कहीं दिल्ली के किसी बेंच पे जाए या मेज पे जाए तो लोग उसे वहां से हटाने से पहले और हिलाने से पहले 10 बार सोचे कि ये वही मनाली के लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड देकर भाजपा को बीजेपी को जिताया था। जय हिंद, जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।